इन दिनों रेलवे सुरक्षा बल नागपुर स्टेशन की सुरक्षा को पुख्ता कर रहा है। कहीं से रास्ते बंद किए जा रहे हैं तो कहीं कॉमन एंट्री एग्जिट रखकर निगरानी को बेहतर करने का प्रयास है। हालांकि सुरक्षा की ये नई व्यवस्थाओं यात्री सुविधाओं की बलि ले रही है। इसकी मुख्य वजह स्टेशन के दोनों ओर खराब हो चुके बैगेज स्कैनर है। उल्लेखनीय है कि स्टेशन के पूर्वी छोर पर FOB पर और पश्चिमी छोर पर मुख्य प्रवेश द्वार के पास बैगेज स्कैनर मशीनें रखी रहती थी। पिछले करीब 3 वर्षों से मशीनें खराब है, अब तो इन्हें हटाकर पीछे खिसका दिया गया है। यानी साफ है कि अब ये मशीनें दोबारा शुरू नहीं हो सकती। ऐसे में देश के सबसे संवेदनशील स्टेशनों में शामिल नागपुर में RPF को सुरक्षा के मद्देनजर नई नई व्यवस्था करनी पड़ रही है। यात्रियों की सुविधा के लिए स्टेशन पर एस्केलेटर लगाए गए हैं। इसका उद्देश्य वृद्ध यात्रियों को आसानी से FOB तक पहुंचाना है, ताकि उन्हें सीढ़ियां या रैंप न चढ़ना पड़े। स्टेशन पर 6 एस्केलेटर हैं। इनमें से 3 प्लेटफॉर्म 2 से 7 तक पूर्वी द्वार पर 2 और 1 पश्चिमी भाग में ओपन जनरल वोटिंग हॉल के पास है, जिसे अब पूरी तरह बंद कर दिया गया है। RPF ने सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं। इन्हें इस प्रकार लगाया गया है कि किसी भी हाल में कोई भी व्यक्ति या यात्री यहाँ की सीढ़ियों और एस्केलेटर का उपयोग नहीं कर सकता। यानी पश्चिमी भाग में मुख्य प्रवेश द्वार से आने वाले यात्रियों को प्लेटफॉर्म 2 से 7 तक जाने के लिए रैंप चढ़ना ही पड़ेगा। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार नागपुर RPF ने मंडल प्रबंधन से कहा है कि अब वे प्लेटफॉर्म 1 पर बने क्लार्क रूम में सामान रखने वाले यात्रियों को किसी भी हाल में सिक्योरिटी सील नहीं देंगे। इसकी वजह खराब बैगेज स्कैनर है। चूंकि यात्रियों के लगेज को स्कैन नहीं किया जा रहा है, तो फिर पता कैसे चला गया कि उनके पास कोई संदिग्ध या विस्फोटक सामग्री है। ऐसे में RPF क्लार्क रूम के लिए सिक्योरिटी सील कैसे दे सकते हैं। आनन फानन में RPF की मांग के बाद कुछ घंटों के लिए क्लार्क रूम की सुविधा बंद कर दी गई।